अगर आप रोटी खाने से बोर हो गए हैं और ढूंढ रहे हैं कोई सब्स्टिट्यूट, तो आपको मेरे पहले वीडियोस देख लेने चाहिए जिसमें मैंने ज्वार की रोटी, रागी की रोटी कैसे बनाते हैं उसके वीडियोस डाले हैं। लेकिन आप उसके बाद भी कुछ और ट्राई करना चाहें तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप ओट्स की सॉफ्ट रोटी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम फूली हुई रोटियाँ खाते हैं आटे की, कैसे बना सकते हैं। विदाउट एनी डू लेट्स गेट स्टार्टेड। So the main ingredient that we need is these Quaker oats. You can get the quick oats or the regular one, and I've got this at a very, very good discounted price. It's not this cheap, and that's it. And all we need is a high efficiency, high motor efficiency mixing. I'm using a Preeti Eco Twin, which is amazing for this. It also does dosa batter and anything you can think of. It can be like anything. So we are now going to take out some oats. So you're going to use this jar and just put in the oats as this. So the oats are in. Ensure that this jar is absolutely dry. And now you just blend it. Give it a break and then do it again. We need a very nice pouty texture. And that's that. This is the texture that we have. This is just perfect. This is exactly how we wanted it. Now you can take this out and place it in a separate container and use it part by part based on how many rotis you want to make. You can use that much of atta and you can store the remaining in a nice airtight container. अब आप एक pot में 3 measurements of water देंगे. अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल भी ले सकते हैं या घी भी ले सकते हैं, या मैं घी ले लूँगी बस, एंड दैट्स इट। और अब इसको आप बॉईल करने के लिए रख देंगे। अब इसको आप बॉईल करेंगे और बॉईल करने के लिए जैसे ही उबाल आएगा इसको हम क्लोज कर देंगे। देख सकते हैं ये काफ़ी उबल गया है पानी और गर्म हो चुका है, बस इसको हम अभी स्विच ऑफ कर देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे अभी 5 measures of आटा। तो हमने पहले 3 measures of पानी लिया है, अब हम 5 measures of flour लेंगे जो हमने अभी अभी freshly grind किया है। अब एक स्पून लेके आप इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और इसको मिक्स करने के बाद आप इसको छोड़ देंगे काफ़ी, थोड़ा बहुत इसमें जितना मिक्स होता है वो आप कर लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर छोड़ने के बाद ये आटा कुछ ऐसा लगेगा। मैंने इसमें कुछ फ्लैक्स सीड्स भी डाल दिए हैं और आपको इसको वार्म ही रह के इसको भूनना है हाथ से। अगर आप बहुत छोड़ देंगे तो ये ड्राई हो जाएगा और ये इतना ड्राई हो जाएगा कि आपके फिंगर्स को हर्ट कर सकता है। अब आप इसको अच्छे से गूंद लेंगे साइड से, अगर ज़रूरत हो तो अपना हाथ गीला ही करके इसके अंदर भून लें आटा और पानी इसमें ना डालें। तो आटा गूंदने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा, आप देख सकते हैं काफी नॉर्मल आटे की कंसिस्टेंसी बन चुकी है। अब करते हैं इसको स्टोर करने की बात। स्टोर करने के लिए आप एक बोल ले सकते हैं और इसमें रख सकते हैं। अब चीज क्या है कि ये ड्राई नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी ड्राई। तो अगर आप इसको रख रहे हैं कहीं भी, तो इसको रखने के लिए टेक्निक ये है कि आप एक क्लीन फिल्म रैप लें, इसके ऊपर इसको अच्छे से ढक दें। क्लीन फिल्म रैप ले सकते हैं या फिर कोई कॉटन के कपड़े को पानी में भिगो के इसके ऊपर आप आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, इट्स गोइंग टू बी नो प्रॉब्लम। एंड बिफोर यू यूज इट जस्ट लेट इट कम टू रूम टेम्परेचर एंड देन यूज इट। अब हम देखते हैं इसकी हम रोटी कैसे बनाते हैं। इसको बेलने के लिए सबसे पहले आप ये एक पेपर रैप लेंगे और उसके ऊपर ऐसी लोई बना के
फिर ये लोई को ऐसे हैंड प्रेस करके इसको फ्लैटन कर देंगे डो को। तो ये रोटी ऐसे फ्लैटन कर दी है, अब इसको आप ऐसे उठा सकते हैं और इसे सेपरेट कर सकते हैं इससे। और ये बढ़िया से जैसे आप देख रहे हैं रोटी बिल्कुल ही अच्छी सी फ्लैट सी बन गई है। अब ये आपका तवा बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए, नहीं तो ये नहीं मैनेज कर पाएगा। और इसको नॉर्मल रोटी की जैसे आप दोनों तरफ से पकाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये रोटी पकने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है नॉर्मल से। अभी एक साइड से हो गई है, अब हम इसको पलट लेते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही नॉर्मल रोटी जैसे ये बन रही है। और इसके बाद बस आपको ध्यान रखना है कि गैस हमेशा गर्म रखें। इसको आप नॉर्मल रोटी के जैसे फुला भी सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है दोनों साइड से। और ये जब थोड़ी सी कूल डाउन होगी ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट बिल्कुल फोल्डेबल रोटी बनी है, ऐसे रागी जैसे रोटी होती है वैसी सॉफ्ट ही बन गई। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर टेक बुक साइनिंग ऑफ।